इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पर अगर हम किसी भी फाइल को इस तरीके से उसे पेस्ट कर रहे हैं इस फोल्डर में अपने पीसी के अंदर, तो यहाँ पर ये दिखा रही है देयर इज़ ऑलरेडी ए फाइल विद ए नेम सेम नेम इन दिस लोकेशन। तो ये होता क्या है, और यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दिए जाते हैं। एक तो दिया जाता है यहाँ पर कॉपी एंड रिप्लेस, डोंट कॉपी, और यहाँ पर कॉपी बट कीप बूट फाइल्स। तो रहता क्या है ये और इसका सल्यूशन क्या है, देखिए यहाँ पर मैं आपको सीधी सीधी सी बातों में बता दूँ। अब जैसे ये फाइल है हमारी, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ सबसे पहले और इसे काट देता हूँ। ये सब चीज़ पर निर्भर करती है, चाहे वीडियो हो चाहे आपकी कुछ भी हो। अब जैसे ये वाला जो फाइल है यहाँ पर, मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ पर और इसे पेस्ट करता हूँ यहाँ पर, तो ये पेस्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देखना जितनी देर पेस्ट होने के लिए लगेगी हमारी वो लगेगी, लेकिन अब यहाँ पर कितना टाइम है देख लेता हूँ सबसे पहले। तो ये समथिंग 25 सेकंड के अंदर हमारी इस फोल्डर के अंदर चली जाएगी। मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल ईजीली बता दूँ कि ये होता क्या है और इसका सल्यूशन भी है या नहीं है, और क्या ये प्रॉब्लम है, क्या चीज़ है जिसकी वजह से ये आती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जाने वाली और 5 सेकंड के अंदर हमारी चली जाएगी। तो ये फिनिश होने देते हैं इसको सबसे पहले, तो ये फिनिश हो चुकी है यहाँ पर। बट हम इसको दोबारा यहीं से कॉपी करते हैं और इसे यहीं पर ही पेस्ट करते हैं, तो ये हमसे इस तरीके का एरर दिखा देगी। अब इसका मीनिंग आप जान चुके हैं कि क्या है, एक चीज़ को हम दोबारा उस प्लेस पर नहीं डाल सकते, लेकिन ये फिर भी आपको ऑप्शन देता है कि ये जो कॉपी है अगर इनकरेक्ट है तो आप उसको रिपेलेस कर सकते हैं, उसको आप दोबारा कर सकते हैं, या डोंट कॉपी। आप बहुत सारी चीज़ों को कॉपी करते हैं लेकिन एक चीज़ वहाँ पर बच जाती है। अब जैसे यहाँ पर मैं एक इस वाले फोल्डर को ले लेता हूँ और एक इस वाले फोल्डर को ले लेता हूँ, यहाँ पर इन दोनों को इस पर डालता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि क्या रीज़न होता है, इसका मेन मीनिंग क्या होता है आने का। तो यहाँ पर मैंने इन दोनों को मार्क कर दिया है, कॉपी करता हूँ मैं। अब यहाँ पर इसे पेस्ट करता हूँ यहाँ पर दोबारा से, तो आप देखिएगा ये जो जाएगा हमारा विडमेट का फोल्डर, लेकिन उसके जाते ही यहाँ पर ये आ जाएगा कि आप इसको कॉपी करना चाहते हैं या नहीं। तो बहुत सारी चीज़ों में आपसे एक पूछ लेता है कि पर्टिकुलर इस लोकेशन पर है तो वो आप रिकॉपी करना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं, या फिर डोंट कॉपी। डोंट कॉपी पर क्लिक कर दीजिए तो आपका जो ऑप्शन है वो वहीं पर आएगा, बाकी जो भी आपके फोल्डर होंगे वो पहुँच जाएंगे। तो ये प्रोसेस होता है इसका। बाकी बहुत लोगों को ये समझ में आ गया होगा, पहले से लोगों को बहुत समझ में आ गया होगा, बाकी किसी को अगर समझ में नहीं आया तो उसके लिए वीडियो थी। और अगर यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।